हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा पीएचडी के बारे में। अगर अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं बायो के फील्ड में तो पीएचडी इज़ मस्ट इन इंडिया। और आपको बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर करने जा रहा हूं कि कौन सी पीएचडी बेहतर होती है, किस में ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हैं बिना अभी नेट ने कंपलसरी कर दिया, CSIR ने कंपलसरी कर दिया है, आपको नेट निकालना ही पड़ेगा पीएचडी करने के लिए। और आपको बता दूं, इसमें आपका ही फ़ायदा है अगर आप नेट निकाल के पीएचडी करते हो, खास करके JRF। नेट दो तरह का होता है, आपको पता है, नेट LS होता है लेक्चररशिप और नेट JRF होता है। अगर आप नेट लेक्चररशिप निकालते हो तो इसमें आपको फेलोशिप नहीं मिलती। फेलोशिप क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको बता दूं। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मुझे जब मैं BHU से PhD कर रहा था तो मुझे 8000 की पहले JRF मिलती थी, BHU फेलोशिप। फिर बाद में मैंने JRF निकाला, फिर मुझे वो फेलोशिप मिलने लगी 16000 से 18000 के बीच में पर मंथ। तो जब मेरी फेलोशिप ज़्यादा हुई तो उसका बेनिफिट मुझे मिला कि मैं ज़्यादा एनालिसिस करवाता था अपने सैंपल की, अपने जो रिसर्च की ज़रूरतें हैं वो पूरी करता था। और अगर आज आपकी फेलोशिप 40000 है और JRF आप क्वालिफाई करते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हो विदाउट फेलोशिप। अगर आप रजिस्टर भी हो जाते हो, एनरोल भी हो जाते हो, जिसमें प्रोजेक्ट नहीं है, जिसमें फंडिंग नहीं है, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दैट PhD, बिकॉज आपकी PhD उतनी क्वालिटी की नहीं होगी, उतने अच्छे पब्लिकेशन नहीं होंगे, क्योंकि एक एक पब्लिकेशन की, अच्छे पब्लिकेशन की, रैपिड पब्लिकेशन की आज 50000 से 1,00,000 तक की फ़ीस भी हो चुकी है। कई अच्छे जर्नल आजकल फ़ीस ले रहे हैं पब्लिकेशन करने के, एल्सवेयर ले रहे हैं, और अगर ओपन एक्सेस में जाते हैं तो वो काफ़ी टाइम लगाते हैं पब्लिश करने में। तो इसलिए आपको रिसर्च में पैसे चाहिए, आपको केमिकल के लिए चाहिए, आपको एनालिसिस के लिए चाहिए, आपको बुक्स खरीदने के लिए चाहिए, जर्नल के लिए चाहिए, सब्सक्रिप्शन के लिए चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं। तो आपको JRF के लिए ही ट्राई करना चाहिए, नेट LS निकल जाए तब भी आपको JRF चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर बिना JRF के आप ज्वाइन करते हो PhD तो ये एक तरीके से सुसाइड है। क्यों? क्योंकि आपके पास फेलोशिप नहीं है, आप एवरीडे कैसे मैनेज करोगे अपने फाइनेंसेस को, और रिसर्च में जैसे जैसे आपका प्रोग्रेस होगा उतना ज़्यादा कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं, कॉस्टली एनालिसिस है, और हर जगह पेड की बात होती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। आपकी PhD से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, अच्छे काम नहीं करोगे, अच्छे डेटा नहीं ले आओगे, फिर पेपर अच्छा पब्लिश नहीं होगा, आपका करियर डार्क में हो जाएगा। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आप कोशिश करो कि JRF आपका निकल जाए, और अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है आप मुझे मैसेज करो और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजीली CSIR JRF निकाल सकते हो। कुछ गलतियां करते हैं बच्चे जिसकी वजह से JRF नहीं निकल पाता है, और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो कहीं ज्वाइन नहीं करते हैं। 400 सीट्स हैं और 400 सीट्स में मोर देन 1,000,000 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एवरी ईयर। तो अगर 1,00,000 से ज़्यादा बच्चे बैठेंगे तो आप सोच सकते हो कि जब आप सेल्फ़ स्टडी करने जा रहे हो तो ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। आप सेल्फ़ स्टडी करो, बट कहीं ऑनलाइन कोचिंग भी अगर ज्वाइन करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये आपको रेगुलर भी करने में हेल्प करेगा, आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा, और इसके साथ साथ आपको बेनिफिट ये होगा कि आप रूटीन में रहोगे, क्योंकि आपको पता नहीं लग पाता कि आपकी स्पीड क्या है, आप अगर सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो प्लीज़ आप इन सब बातों को ध्यान रखें, कहीं ज्वाइन करें, और सारे टीचर आपको हेल्प करेंगे। हमारी भी क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन, जिसकी फ़ीस 1 ईयर के लिए है 12,350 ओनली। इसमें हम आपको गूगल क्लास पे देते हैं सब कुछ, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, आपको नोट्स दिए जाते हैं, ई बुक्स दिए जाते हैं, MCQs दिए जाते हैं, प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। तो ये सब आपको मिलता है और वन क्लिक में। तो आपको क्या करना है, आपको डेमो क्लासेस आप हमारे लीजिए, आपको जब पसंद आए तभी आप एनरोल करिए, हम नहीं कहते कि आप हमें एनरोल कर लीजिए। और ये हमारा रूम है जहाँ पे हम डिलीवर करते हैं ऑनलाइन लेक्चर, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन मोड में हमारी क्लास होती है। ऐसा नहीं होता कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं, हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और जो JRF का जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू, और अगर आप चाहते हैं एक डेमो लेक्चर तो आप ज़रूर हमें लिखें, ज़रूर मैसेज करें, और देन आई विल शो यू ए डेमो क्लास। थैंक यू, बेस्ट विशेज़।